तो हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। तो भाई आज सीन कुछ ऐसा है कि भंडारे के लिए हम लोग जा रहे हैं सेजवान के लिए सब्जी वगैरह लेने के लिए। सारी सब्जी जितनी भी सब्जी लेंगे भंडारे में वो सारा कुछ हम करने वाले हैं परचेज। मतलब बहुत सारी सब्जियां लेनी है यार, तो मंडी लगी हुई है सेजवान में, अपनी मंडी से जाकर ले लेंगे। तो ब्लॉग काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, तो एंड तक ब्लॉग को देखते रहना गाइस। तो चलिए चलते हैं और अब मिलते हैं मंडी में चलकर आपसे। तो भैया अभी ले रहे हैं धनिया और एकदम हरा हरा। ये भाव नहीं होता है कि हम सब गलत रेट बेचते हैं मंडी में, तो 70 भाव मंडी में कोई भाव नहीं। और गाइस यहाँ पर जो है सामान थोड़ा बहुत तो ले लिया है, अभी थोड़ा सा बचा हुआ है सामान, काफ़ी सारा सामान लेना है यार अभी। और यहाँ पर यार आज मैं देख रहा हूँ कि इन लोगों का जो टैक्स रहता है वो बहुत ही ज़्यादा हाई है, और 10% टैक्स ये लोग पूरा लेते हैं। अगर तुमने 100 रुपये का सामान लिया तो उसमें ये 10 रुपये इनका हो गया मान के चलो। भाई आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि इस जगह का कितना ज़्यादा टैक्स पड़ता है। प्लीज मैं जो कह रहा हूँ यहाँ टैक्स ज़्यादा पड़ रहा हो, सही है टैक्स पूरा पड़ रहा हो यहाँ। 100 रुपये 10 रुपये लेना है। एक काम ना करें, एक 10 रुपये और खेत लेकर मंडी में खुलवा दें और मजा आ जाए पूरी मंडी में। घर के एक साल में पूरी जगह को रुपए लग जाओ तो घर के तुम टैक्स का लेंगे लोग तो यार। जब यूट्यूब की अपनी फैमिली सपोर्ट करे तब तो ले सकते हैं मंडी से। और अभी भाई सामान बचा है हमारे चाचा बाबा ताऊ 5 रुपए पीछे रख जोड़े 5 रुपए नहीं रखे हैं रे, अब खा के देख जा सतीश देख ले यार। देख रहे कैसे हुआ कच्चे उतना देखा मुंह ऊपर करके कच्ची चीज चबा जाकर। भैया मिर्चे मिर्चे सारा कुछ दे दिया है हम लोगों ने। और अभी यार हम लोग प्लान कर रहे हैं कि यार इतना ज्यादा टैक्स यहाँ पर ये लोग लगा रहे हैं, तो एक 10 बीघे का प्लॉट खरीद लेते हैं और उसमें अपना खुद का मंडी खुलवाएंगे हम लोग। तो भाई यहाँ से हमने सारा सब्जी वब्जी का सामान तो सारा कुछ कंप्लीट कर लिया है, और अब मतलब यहाँ का कोई भी काम नहीं बचा है। अब अंदर शहर में जाएंगे सेजवान में अंदर, और वहाँ से मसाले वसाले और जो भी सारी चीज़ें लेनी है यहाँ से, आलू गोभी मतलब जो भी सब्जी का सामान था वो हमने टोटली कंप्लीट करके ले ही लिया है। भाई अभी अपनी गोभी भरी आ रही है, गोभी की सब्जी ये देखो यहाँ पर अजय ले जाता हुआ, और इतनी सारी गोभी यहाँ पर ले ली है ये देखो। और भैया ये रहे अपने आलू के कट्टे, सीधी कर सीधी कर, ये रखे हैं अपने आलू के कट्टे। पूरा घुड़ा मत चला दीजिए ये जो है अभी, चलो उठा दे आजा, मैंने उठाओ यार मैं ताकत ना है, तू लगा बस बंदर। हाँ चल ना हो गया आप ऐसे ही। हाँ चलो ओए। तो भाई अपने भटूरे जो आ चुके हैं ये देखो, ये रहे ये सभी लोग। अरे ले देख तेरा भटूरे दिखा देते सही है, हाँ भूला हुआ तू भी भूल जाएगा ऐसे खा के, रायता बहुत टेस्टी है, एक नंबर चीज़ आती है भाई यहाँ पर। देखो आप देख रहे हो सब्जी, ये मत सोचना कभी ठेले पे खाते हो ठेले पे बेकार चीज़ मिलती होगी, भाई एक नंबर चीज़ मिलती है यहाँ रायता पाता सारा कुछ एक नंबर है। तो गाइस हम लोगों ने खाना वाना सब कुछ खा लिया है और हम मारेंगे इस ट्रैक्टर में ढक्का। और अभी भाई हम लोग ट्रैक्टर पर बैठे हुए हैं, और ये जो ट्रैक्टर है वो अभी स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो अभी इसको जो धक्का लगाना पड़ेगा अपने हाथों में तब जाकर ये स्टार्ट होगा। और इसमें सामान भरते हैं और फिर निकलते हैं आगे, सामान लेना है। भैया टीम हमारी बहुत मेहनत में लगी हुई है, देखो खुद ही सब काम कर रहे हैं लोग यार, ये देखो अभी टेबल वेबल। चलो भैया करे रहो करे रहो, जो ज्यादा मेहनत में रहो वो इनाम मिले हो, जाकी मेहनत सबसे ज्यादा हुई बाबू बहुत तगड़े इनाम मिले हो, जल्दी जल्दी करे रहो। स्कूटी के लिए काजल भैया लेकर भजी कल स्कूटी हमारी, कल काजल पे स्कूटी ने चली लायरो लायरो लायरो। अरे पैर लेकर रहा चलो काटो, अरे लग गो जल्दी लाओ लाओ भैया लाओ, अरे संभल गया आराम से आराम चोट ना लगा भैया। अरे 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 हुआ इस पर क्या ले जा रहा है इसमें, हैं लाइक करो फॉलो करो। तो भैया फॉलो करो और हमारे ब्लॉग को आगे बढ़ा, जय बाबा जय बाबा की। रख तो भैया रख दो, देखो भैया सामान हो गया इतना,
आराम से लो भैया, आराम से, ऊपर बिजली के तार हैं। अब हम जा रहे हैं रसगुल्ला लेने के लिए और दिखाते हैं कैसे रसगुल्ले बनते हैं यहाँ पर। और प्रदीप के पानी में मार हुआ पानी नहीं मार, पानी आ रहा है। देखो भैया जीरे बड़े बड़े हैं रसगुल्ले। गाइस ये देखिए, ये दिखाने वाले हम आपको भट्टी जिसमें बनते हैं रसगुल्ले, ये देखिए। तो भाई लोगों, अभी हम लोगों ने रसगुल्ले जो हैं वो ले लिए हैं और ये देखो भाई, ये रहे रसगुल्ले। और अब मतलब काफ़ी दिनों के बाद हम रसगुल्ले एंजॉय करेंगे और इतने कम रसगुल्ले लेने के लिए हमारी पूरी टीम उसमें टूट पड़ी। और जब हम वीडियो शूट कर रहे थे तो उन लोगों को लगा कि कहीं रेड मारे नहीं आ गए हों, लेकिन वो ज़्यादातर लोग जानते थे, वीडियो देखते थे अपनी, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। और अब रसगुल्ला खाते हैं और इन्जॉय करते हैं। ये रसगुल्ले हैं, ठीक है, ये तुम सब खा लोगे हैं? कितनी देर में? ए, आप 10 मिनट में। कितने बताए? कितने कितने? 2 किलो होंगे, 1.5 किलो। 2 किलो रसगुल्ले अकेले खा लोगे? और क्या भैया, आप बताओ तुम गाइस, 2 किलो रसगुल्ला खाने वाला अगर कोई हो इस ब्लॉग में तो कमेंट करके बताइए और चैलेंज कर लेना, ठीक है।